ऑडिबल, आई एम ऑडिबल एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ऑल ऑफ यू जस्ट सी, दिस इज द स्लाइड। चलो तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाँ दिखा देंगे न्यू लाइंस आर्गुमेंट को कैसे यूज करते हैं, है ना। यस गुड इवनिंग आदर्श। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सीएसबी के बारे में। तो मैंने सीएसबी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बस थोड़ा सा शॉर्ट में इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ जिन बच्चों का ये क्लास छूट गया था। सीएसबी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। सीएसबी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर टेबुलर डेटा, है ना। बेसिकली हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं इन स्प्रेडशीट और डेटाबेस। तो स्प्रेडशीट या डेटाबेस जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है बेटा, ठीक है ना। एंड थर्ड पॉइंट जो है, द सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ सीएसबी फाइल्स इज कॉल्ड डेलिमिटर, है ना। तो जो सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ सीएसबी फाइल होता है, यानी सीएसबी फाइल में जो सेपरेटर कैरेक्टर यूज होता है उसको हम लोग डेलिमिटर कहते हैं, या याद रखोगे। और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है डेलिमीटर का, या सेपरेटर कैरेक्टर को जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो कॉमा होता है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चेंज करके भी दिखाया था कि इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू कॉमा होता है उसको आप दूसरे स्पेशल कैरेक्टर में भी चेंज कर सकते हो, है ना। कॉमा के बजाय आप चाहो तो सेमी कोलन भी यूज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे होते हैं वो जो हमारा वैल्यूज होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है, इसलिए इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहा जाता है, है ना। एंड हियर ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट एवरीबॉडी, है ना, इन स्प्रेडशीट और डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पे हर लाइन, फाइल का हर लाइन क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। एंड एवरीबॉडी ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड सेपरेटेड बाई कॉमा। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो कलेक्शन ऑफ फील्ड होता है, वो बहुत सारे फील्ड से मिलकर के बना होता है और हर फील्ड जो है ना सेपरेट होता है कॉमा से, ठीक है। ओके नो इशू, आगे की स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाओगे नोट्स बनाने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ सीएसबी फाइल्स। क्या सीएसबी फाइल का कुछ एडवांटेजेस भी है? तो ऑफकोर्स देयर इज एडवांटेजेस ऑफ सीएसबी फाइल एवरीबडी, है ना। तो इसका क्या एडवांटेजेस है? तो सबसे पहला बात तो ये है भाई कि सीएसबी जो होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, सो दैट इट कैन बी इजी टू एडिट मैनुअली। आप इसको मैनुअली बड़ा ही आसानी से एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था बाइनरी फाइल बड़ा, है ना। सीएसबी फाइल इज देयर इन सिलेबस, ऑफकोर्स सीएसबी फाइल इज देयर इन सिलेबस, सीएसबी फाइल आपके सिलेबस में, ठीक है ना। हाँ तो बता दे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, ये बिल्कुल टेक्स्ट फाइल के जैसा होता है। सीएसबी फाइल इज सिमिलर टू टेक्स्ट फाइल, है ना। और क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है तो इसको आप इजीली एडिट भी कर सकते हो, ये सबसे पहला इसका एडवांटेज है। और मैंने आपको बताया था बाइनरी फाइल को एडिट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको जरा सा भी आप एडिट करने का या मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हो तो इजीली ब्रेक हो जाता है, हमारा एप्लीकेशन ब्रेक हो सकता है। बिकॉज यू नो बाइनरी बाइनरी डिजिट वी कैनॉट अंडरस्टैंड इजिली, है ना। उसमें थोड़े से भी मॉडिफिकेशन करने से प्रॉब्लम आ सकता है, आउटपुट में तुरंत से आपको अलग, मतलब आउटपुट में तुरंत से चेंजेस आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा। लेकिन वही चीज यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ जाते हो, और क्योंकि आप अपने कंटेंट को आसानी से समझ रहे हो तो ऑफकोर्स यार आप इसे मैनुपुलेट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इजी टू इम्प्लीमेंट है, बड़ा आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग। आपने देखा होगा यार, जैसे कि टेक्स्ट फाइल जब हम पढ़ाए तो आपको बहुत आसान लगा होगा एज कम्पेयर टू बाइनरी फाइल। हालांकि बाइनरी फाइल भी इजी है, समझ जाने के बाद तो सारा ही इजी है ना। लेकिन अगर एप्लीकेशन के हिसाब से बात करें तो एक टेक्स्ट फाइल का एप्लीकेशन आपको बहुत ही इजी लगेगा हैंडल करने में, है ना। उसका इंटरफेस बड़ा आसान लगेगा आपको, है ना, एज कम्पेयर टू बाइनरी फाइल। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे सीएसबी फाइल अभी जब हम पढ़ाएंगे ना, इसका प्रोग्राम कराएंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगने वाला, आपको जरा भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, है ना। और सबसे बड़ी बात कि ऑफ कोर्स इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड इट इज फास्ट टू हैंडल, ये काफी फास्ट होता है ना एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑल ऑफ यू, एंड इट इज ए स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और ये जानते हो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि इट इज ए स्मॉलर इन साइज, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। ये पता है कंप्यूटर की मेमोरी बहुत कम स्पेस लेता है और बहुत सारे डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे।
तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे अकॉर्डिंग तो यही है भाई कि हम लोग जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इन टेबुलर फॉर्मेट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे एंड इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। और क्योंकि ये इसका फाइल का साइज जो बहुत छोटा होता है तो हम लोग इसको ना इजिली जो है ना इंटरनेट पे ट्रांसफर का काम कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। और यही वजह कि कंपनी वाले लोग जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये CSV फाइल बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो लोग अपना बहुत सारा डेटा को एक इस फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं और ये मेमोरी बहुत कम स्पेस लेता है और क्योंकि फाइल का साइज छोटा है तो इंटरनेट पे ट्रांसफर करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बहुत ही फास्टली क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कोई और अगर फाइल हो तो उसको ट्रांसफर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इवन की प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ CSV फाइल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा इसका एडवांटेजेस क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि आपको पता है यार कि जैसे अगर किसी भी चीज का एडवांटेज होता है, प्रॉस होता है, तो उसका कुछ कॉन्स भी होता है, तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला है देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज में कोई अंतर नहीं है, यानी कि ओवरऑल सारे का सारा टेक्स्ट ही है यार, ठीक है ना। हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही बाइटफुल डेटा यहाँ पे जाने वाला है ना। तो ये न्यूमेरिक और टेक्स्ट में कोई अंतर नहीं समझता है। प्रॉब्लम विथ इंपोर्टिंग CSV इनटू SQL, आप मतलब कि स्प्रेडशीट फाइल, डेटाबेस फाइल में डेटा बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है, उसमें आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बड़ा आसानी से कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन यही अगर आप CSV फाइल को इंपोर्ट करने का कोशिश करोगे इनटू SQL, है ना, SQL इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये भी आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ाया भी जा चुका है, ठीक है, स्कूल में तो जरूर पढ़ाया गया होगा, ठीक है, मैं आपको ये जरूर पढ़ाऊंगा। बट अब मैं बता दूं कि नो डिफरेंस बिटवीन नल एंड कोट्स, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपने SQL में एक नल, है ना, नल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, नल का मतलब कह सकते हो कि मतलब एम्प्टी, है ना, नथिंग। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं पता चलता नल और कोट्स के बीच में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ ही रहा है कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक वैल्यू, कोई डिफरेंसेस यहाँ पे टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं है। तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस एवरीबॉडी। आगे बात करते हैं एवरीबॉडी, दैट इज द पाइथन CSV मॉड्यूल। तो मैं आपको बता दूं CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको दो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, एक राइटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है और एक, सॉरी मैं पहले राइटर बोल दिया, रीडर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है और दूसरा राइटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी रीडर एंड राइटर, क्योंकि जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट रीडर इज यूज टू रीड फ्रॉम द CSV फाइल। ये रीडर ऑब्जेक्ट CSV फाइल आपको रीडिंग में मदद करता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में मैं बताऊं ना आपको, वहां पे फाइल ऑब्जेक्ट जो हमारा फाइल पॉइंटर था ना, वही रीडिंग और राइटिंग में मदद करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता ना, हम लोग को CSV मॉड्यूल जो है ना दो टाइप का ऑब्जेक्ट दे देता है, एक रीडर ऑब्जेक्ट देता है, आप देख रहे हो रेड कलर से मैंने लिखा रीडर, और एक राइटर ऑब्जेक्ट दे देता है। रीडर ऑब्जेक्ट से आप रीडिंग का काम करते हो, CSV फाइल को रीड कर पाओगे, और राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से आप CSV फाइल में राइटिंग का काम कर पाओगे, ठीक है। तो CSV मॉड्यूल आपको दो ऑब्जेक्ट देता है, ये जरूर याद रखेंगे, और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट देखो भाई, सिंटेक्स टू इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। आप CSV मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, तो जैसा कि अब तक हमने हर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, सिंपल सा हमने स्मॉल लेटर में इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं और फिर हम लोग अपने मॉड्यूल का नेम लिखते हैं, तो वही काम यहाँ पे भी कर लेना यार, इंपोर्ट CSV लिख लेना और आप CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब आप देखोगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग CSV, हाउ यू कैन ओपन और क्लोज द CSV फाइल। ओके, सो एवरीबॉडी आपको अगर टेक्स्ट फाइल अच्छे से समझ में आया है तो CSV फाइल में यकीन मानो मैं बता रहा हूं, इसको समझने में 1% का भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल याद करो, वहां पे हम लोग कैसे ओपन करते थे टेक्स्ट फाइल को, यही हमारा सिंटैक्स होता था, एफ इज इक्वल टू ओपन देन फाइल नेम और एक्सटेंशन आता था बेसिकली .txt, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस अंतर यही है कि .csv एक्सटेंशन होगा, और उसके बाद अगर आप रीडिंग पर्पज के लिए ओपन कर रहे हो तो आर लिख दो, राइटिंग पर्पज के लिए ओपन कर रहे हो तो आप यहाँ W लिख दो। तो एक्सेस मोड डिपेंड करता है आपके फाइल ऑपरेशन पे, क्या फाइल में किस टाइप का ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो
अगर आपको सीएसवी फाइल को क्लोज करना, तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है क्या, एफ डॉट क्लोज एवरीबडी, सिंपली फाइल ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट क्लोज लिख देना है, इस प्रकार से आप फाइल को बंद कर पाओगे। ठीक है, क्या यहां तक किसी को समझने में दिक्कत हो रहा, सबको समझ में आ रहा, एवरीथिंग इज ओके, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबडी, सभी बच्चे समझ रहे हो अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो मैंने क्या लिखा, ये थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा, तो इसका फॉर्मेट मैं बाद में चेंज कर दूंगा, फिलहाल अभी आप समझ लो। ठीक है, न्यू लाइन आर्गुमेंट इन सीएसबी फाइल, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यू लाइन आर्गुमेंट इन सीएसबी फाइल, है ना, अब ये न्यू लाइन आर्गुमेंट क्या करता है इसी को समझा रहे थे। इट स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स, ये स्पेसिफाई करता है, ये आपको बताता है कि आपका पाइथन, हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स, पाइथन कैसे हैंडल करता न्यू लाइन कैरेक्टर्स, है ना, व्हाइल वर्किंग विद सीएसबी फाइल, जब आप सीएसबी फाइल में वर्क कर रहे हो तो आपको पाइथन जो है कैसे हैंडल करता है न्यू लाइन कैरेक्टर को ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स डिफरेंटली, हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को डिफरेंटली स्टोर करके रखता है, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है ना कि टेक्स्ट फाइल में हमारा हर लाइन जो है टेक्स्ट फाइल का टर्मिनेट होता था यूएल कैरेक्टर से, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी हमारा हर रिकॉर्ड जो है वो टर्मिनेट होता है यूएल कैरेक्टर से, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से। ठीक है, तो अब अगर मान लो हम लोग मैसिंटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वहां पे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर फ्लैशन के बजाय कुछ और होगा। ठीक है ना, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कुछ और होगा, है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कुछ और हो सकता है। एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो अब इस क्या बोलोगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आप इस यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाओ, जब कोई और एप्लीकेशन बनाओ, तो आपका एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करे, है ना, आउटपुट में कोई भाई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आउटपुट जब आपका लोग देखे तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होना चाहिए, फॉर्मेट ऐसा नहीं कि बदल जाए। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, न्यू लाइन आर्गुमेंट, और न्यू लाइन का वैल्यू क्या देते हैं, बस न्यू लाइन इज इक्वल टू लिख करके हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ठीक है, वो अभी प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप देखोगे जब हम लोग स्प्रेडशीट फाइल में रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे ना, जब स्प्रेडशीट फाइल में हम लोग सीएसबी फाइल के थ्रू रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, तो देखोगे हर रिकॉर्ड के बीच में बाय डिफॉल्ट एक सिंगल लाइन आ जाता है, एक ब्लैंक लाइन आ जाता है, एंड दैट ब्लैंक लाइन, है ना, वी कैन रिमूव बोल सकते हो उसको, आप एलिमिनेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ न्यू लाइन आर्गुमेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन आर्गुमेंट का वैल्यू क्या पास करना पड़ेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई आप न्यू लाइन को कैसे एंड करना चाहते हो विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना। अब ऐसा करते हैं कि एक हम लोग प्रोग्राम देख ही लेते हैं, और सबसे पहले मैं आऊंगा, आप देख रहे हो कि स्क्रिप्ट मोड में आते हैं, या ऐसा करते मैं लास्ट क्लास का सीधा प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, टाइम हम लोग बचाते हैं, फिर हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे उसको टोटली स्टार्टिंग से देखेंगे। अच्छा, ये चलो, ये भाई क्लास 11 का फाइल ओपन हो चुका है, एक्सट्रीमली सॉरी एवरीबडी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता दोगे, और ये टाइम हम लोग मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये टाइम बेस्ट होगा, जो वो वाला हम क्लास ले रहे थे ना, वो आप लोग का लास्ट बैच हो जा रहा था, और तब तक मेरा बैटरी डाउन हो जाता था। ठीक है, तो मे भी थोड़ा सा एनर्जी में डाउनफॉल आ जाए उस समय, लेकिन इस समय आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस समय हम भाई 100% फुल एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना हो तो भी हम लोग पढ़ पाएंगे, तो यही टाइम को अब हम लोग रखेंगे। अब ये देखिए, ओ ये भी 11 का खुल गया भाई, क्या हो रहा, देख लेते हैं। आप लोग का सीख लिखा हुआ लगता है कि कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था क्या, ले चलो फिर से करना होगा भाई, शायद मैंने सेव नहीं किया था, या मे भी किसी और नेम से सेव हुआ होगा, याद नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो सिंपल सा मैं बताऊं, आप बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरीबडी टेल मी व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना,
आपको पता है ना कि मैंने आपको क्या बोला, अभी हम लोग राइटिंग का काम करना चाहते हैं सर, तो राइटिंग का काम आप कैसे कर पाओगे, बाय द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट कर पाओगे, यहाँ पे केवल फाइल हैंडलर की मदद से आप काम नहीं कर पाओगे। नया सीएसबी में यही चीज है कि यहाँ पे आपको राइटर ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा राइटिंग को। लेकिन ये राइटर ऑब्जेक्ट आपको कौन प्रोवाइड करता है, एवरीबडी, दिस राइटर ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड बाई, यू नो दिस राइटर ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड बाई वॉट, दिस राइटर ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड बाई कौन सा मॉड्यूल, सीएसबी मॉड्यूल सर, किसी को याद नहीं आ रहा, तो लिखो इम्पोर्ट सीएसबी, इम्पोर्ट सीएसबी मैंने लिख दिया है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब फाइल हैंडलर का नाम लिखो, एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल को कैसे ओपन करते हैं आपको पता है, ओपन फंक्शन की मदद से ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम लिख लेते हैं, बड़ा सिंपल है मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है याद रखो, पहले स्टार्टिंग में सिंपल वाला बताए, इम्पोर्ट सीएसबी मैंने लिख डाला, एफ इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे फाइल का नाम बता दो भाई, फाइल का नाम क्या रख ले हम लोग, है ना, कुछ फाइल का नाम थोड़ा आज नया रखेंगे, चलो लायन रख लेते, लायन डॉट सी एस बी, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल माय डियर। इसको हम लोग डब्लू मोड में यानी कि राइट मोड में ओपन करेंगे, है ना, एक्सेस मोड क्या होगा, राइट मोड, अगर फाइल पहले से अवेलेबल है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो नया फाइल एक क्रिएट हो जाने वाला है ना, राइट मोड, तो एप इज इक्वल टू ओपन lion.csv और डब्लू मोड में इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई, अब इस फाइल हैंडलर की मदद से आप राइटिंग का काम नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं, इस फाइल हैंडलर की मदद से आप राइटिंग का काम नहीं कर सकते, आप राइटिंग का काम सीएसबी में, सीएसबी फाइल में कैसे करते हो, राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से करते हो, और ये राइटर ऑब्जेक्ट आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको सीएसबी मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब राइटर ऑब्जेक्ट भी क्या है, यूजर डिफाइंड, आप राइटर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं डब्ल्यू आर राइटर ऑब्जेक्ट का नाम रखूंगा, ठीक है, तो डब्ल्यू आर डॉट, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, डब्ल्यू आर डॉट, बस यहाँ पे आपको लिख देना है राइटर, क्या लिखते, सॉरी डब्ल्यू आर हमारा क्या चीज का नाम है, राइटर ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। डब्ल्यू आर इज इक्वल टू मॉड्यूल के नाम से, सी एस बी इज द मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट यहाँ पे लिखोगे क्या, मॉड्यूल डॉट आप लिखोगे, मॉड्यूल डॉट लिखोगे क्या, राइटर, मॉड्यूल डॉट राइटर, एवरीबडी मॉड्यूल डॉट राइटर, और यहाँ पे फाइल हैंडलर का, दिस इज द सिंटैक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप एकदम बढ़िया से समझ लो, है ना। डब्ल्यू आर इज द राइटर ऑब्जेक्ट, ये क्रिएट हो रहा है, डब्ल्यू आर की मदद से हम लोग राइटिंग का काम करेंगे, दिस इज द नेम ऑफ द राइटर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि डब्ल्यू आर रखे, हम चाहे तो डब्ल्यू डब्ल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। सीएसबी डॉट राइटर, राइटर मेरा क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद करता है, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस राइटर मेथड के अंदर आपको एक आर्गुमेंट पास करना होता है, और उस आर्गुमेंट का नाम है क्या, फाइल हैंडलर, इस फाइल हैंडलर को पास करना होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, टू क्रिएट राइटर ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट राइटर ऑब्जेक्ट, राइटर ऑब्जेक्ट हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप समझ सको, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो मैं आपको राइट नाउ अभी दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे राइटिंग का काम करेंगे, किसकी मदद से, राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से, है ना। उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक बात बोलना चाहूंगा कि अब जब आप राइटिंग का काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ लिखें, तो उसको लिखने के लिए ये राइटर ऑब्जेक्ट तो जरूर आपको मदद करता है, लेकिन हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन की मदद से हम लोग राइटिंग का काम करते हैं, और उस फंक्शन का नाम है राइटरो। तो सीएसबी फाइल में आपको दो फंक्शन मिलता है ना, दो फंक्शन मिलता है रिकॉर्ड को राइट करने के लिए, एक राइट रो और एक राइट रो। अगर राइट रो है, बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर राइट रो है, डब्ल्यू आर आई टी आर ओ डब्ल्यू, राइट रो है, इसका मतलब कि आप एक बार में एक ही रिकॉर्ड को राइट कर पाओगे। अगर इसमें एस आ जाए तो एक बार में आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को राइट कर सकते हो, ठीक है, अपने सीएसबी फाइल, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल सा राइट रो मेथड यूज करने वाला हूं, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है भाई, राइटर ऑब्जेक्ट है, इसकी मदद से हम लोग राइटिंग का काम करने वाले हैं, लेकिन राइटिंग का ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा, राइट रो फंक्शन करेगा। तो राइट रो मैंने लिख दिया है, और जो भी चीज हम लोग पास करेंगे इसके अंदर, है ना, जो भी रिकॉर्ड पास करेंगे वो लिस्ट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या पास करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ रोल,
ठीक है, चलो ये पहला एलिमेंट हो गया कॉमा, देन नेम एवरीबडी एंड देन एवरीबडी मैं क्लास लेना चाहूंगा, एंड उसके बाद बस इतने ही छोड़ देते हैं और क्या। चलो तो ये हमारा हो गया पहला का पहला फर्स्ट रो हो गया, ठीक है, दिस इज द एवरीबडी फर्स्ट रो। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे लेकर के पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं रोल में देना चाहूंगा, चलो नेम दे देते हैं, मान लो अब्दुल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा रोल में अब्दुल थोड़ी जाएगा, चलो वन कर दिया। अरे भाई जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे वन कर दिया भाई, और नेम में मैंने अब्दुल कर दिया, ठीक है। क्लास में मान लो मैंने कर दिया 12B, आप देख लोगे भाई जो भी करता हूँ आपको, मैंने 12B कर दिया, ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। चलो फिलहाल हम लोग इतना ही लिख करके देखेंगे। तो फाइल को इस प्रकार से हमने ओपन कर लिया और हमने राइट भी कर लिया इसके अंदर से, अब हम लोग बस क्लोज कर देंगे, ऐप डॉट क्लोज। फाइल को क्लोज करने का सिंटेक्स सही बताया था ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, वन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, अच्छा उसको रहने देते हैं अभी, है ना, देख लेते हैं हम लोग, एरर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या 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 बोल रहे हो ये नीरज, ठीक है ना। तो एवरीबडी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए, टू ओपन फाइल, फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं, टू ओपन फाइल, ओपन फाइल का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, फाइल क्लोज का काम हो रहा है, ये हैश से मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ, टू क्लोज फाइल, है ना, क्या कर रहे हैं, फाइल क्लोज कर रहे हैं, टू क्लोज फाइल, ठीक है। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सेव करके दिखाने वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करेंगे, आइए रन करते हैं, एरर नहीं आएगा बोल रहे हो भाई, आपको पता भी है। चलो तो इसको हम लोग कहाँ सेव कर रहे थे, आई थिंक मैंने 12 नाम के फोल्डर में सेव कर रहा था मैं, और इसका मैं नेम देने वाला हूँ, और शायद देखो लास्ट फाइल जो हमने 28 नाम से सेव किए थे, आज 29 नाम से सेव कर रहे हैं हम लोग, चाहते तो फाइल ओपन कर लिए होते तो टाइम बच गया रहता। तो आप देख रहे हो कोई एरर नहीं आ रहा है, हमारा फाइल सक्सेसफुली क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट कर चुका है। बस अब हम लोग करेंगे क्या, अपने डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे देखो 12 नाम का फोल्डर कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे लायन नाम का कोई फाइल बना भी है कि, जरा देखो लायन नाम का कहीं फाइल बना हुआ क्या, दिख रहा है क्या, एक्सेल फाइल होगा भाई, दिख रहा है किसी को, मेरे को तो दिख नहीं रहा, आप लोग को दिखे तो बताओगे। हाँ मेरे को दिख गया, देखो लायन, एवरीबडी कैन यू सी लायन, क्या आप देख पा रहे हो, अच्छा ठीक है भाई, हाँ प्रीति के बगल में है लायन। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, एक्सेल में ही ओपन करते हैं, आप लोग देख लो इसको, ये देखो ये लो, तो इसे मैंने ओपन कर दिया है, और अब आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, तो देखोगे मैंने दो रिकॉर्ड इस पर राइट किया है, रोल नेम क्लास, ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है और ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड है, और दोनों रिकॉर्ड के बीच में देख रहे हो ना एक ब्लैंक लाइन आ जा रहा है, ठीक है ना, एक ब्लैंक रो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज द प्रॉब्लम एवरीबडी, होप सो यू ऑल पीपल आर अंडरस्टैंड एवरीबडी। मैं एक और रिकॉर्ड यहाँ पे आपको राइट करके दिखाना चाहूंगा, मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे एक और रिकॉर्ड हम लोग अभी लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, टू, और बहुत आसान है यकीन मानो इसको, एकदम बढ़िया से बस दिमाग से समझ लेना है, नीरज, और इसको मैं कर देता हूँ मान लो 12C मैंने कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे तो एक और रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, चलो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, और चलो नेम मान लो मैंने कर दिया सुमित, और यहाँ पे मैंने, चलो इसको मैंने मान लो 12A कर दिया, 12A भी एक भी रहना चाहिए, रन करके देखते हैं कोई एरर वगैरह आता है कि नहीं। एवरीबडी यू कैन सी वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर, है ना, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ अगर मीटिंग एंड होगा तो क्या करना है, फिर से ज्वाइन करना है, लायन को मैं फिर से ओपन करूंगा। एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो देख रहे हो ना एक ब्लैंक रो जो है हर रिकॉर्ड के बीच में आ जा रहा, हाउ विल रिजॉल्व दिस, हाउ विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एवरीबडी, आप बताइए, लास्ट क्लास में बताया गया था, है ना, ये तो अभी फिलहाल रिवीजन मैंने करा दिया, बताओ क्या किए यार, उसमें मैंने क्या पाइथन आइडियली क्लोज कर दिया क्या, ऐसा क्यों कर दिया, बताइए इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे नीरज, है ना, बाय द हेल्प ऑफ, बहुत बढ़िया
न्यू लाइन है ना, न्यू लाइन आर्गुमेंट की मदद से। ये न्यू लाइन आर्गुमेंट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे बताओ, क्लास कौन छोड़ दिया एक बच्चा, न्यू लाइन आर्गुमेंट कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग बताइए। हाँ न्यू लाइन आर्गुमेंट कहाँ पे यूज कर ले हम लोग, सेकेंड लाइन में यूज कर लेंगे है ना, यहाँ पे न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करोगे हमेशा, याद रखोगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखू न्यू लाइन इज इक्वल टू, बस एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे लेना और कुछ नहीं करना, और उसके बाद फिर से इसको रन करते हैं सर, है ना, तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा है सर, नो एरर एवरीबडी वी आर गेटिंग। हम लोग आते हैं यहाँ पे और अब हम लोग देखेंगे इस लायन फाइल को ओपन करके, जो कि हमारा एक सीएसबी फाइल की मदद से ये फाइल बना हुआ है, क्रिएट हुआ है, दिस इज द सीएसबी फाइल एवरीबडी। और अगर मैं इसे देखूं तो आप देखोगे कोई भी ब्लैंक लाइन आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। नोटपैड में भी ओपन करके देखते हैं तो ब्लैंक लाइन मिलता, अभी फिलहाल नोटपैड में ओपन करोगे तो आप देखोगे क्या मिलने वाला है सर। नोटपैड को ओपन करेंगे तो आप देखोगे मेरा हर फील्ड, ये सारा फील्ड है, रोल इज अ फील्ड, नेम इज अ फील्ड, क्लास इज अ फील्ड, एंड दिस कंप्लीट लाइन इज अ रिकॉर्ड, सेट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो ईच फील्ड इज सेपरेटेड विद कॉमा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना। एनी टाइम द मीटिंग इज गोइंग टू एंड एवरीबॉडी यू विल ज्वाइन अगेन। कैन यू टेल मी हाउ हाउ वी कैन मीन्स आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस कॉमा विथ एनी अदर डेलीमीटर, है ना, इसको डेलीमीटर कहते हैं, एग्जाम में आएगा तो जरूर लिखोगे, मैं कॉमा को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और डेलीमीटर की, डेलीमीटर से, कोई और कैरेक्टर से, लाइक सेमी कॉलन या हैश, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कैसे कर सकते हैं इसको। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, अभी तक फिलहाल लास्ट क्लास का रिविजन कराती है, डेलीमीटर यूज करेंगे, वेरी गुड नीरज। कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग डेलीमीटर सर, कहाँ पे यूज करने बताए थे डेलीमीटर, थर्ड लाइन में, वेरी गुड, एकदम रट लो, डेलीमीटर वहां पे यूज नहीं होगा, किसमें, ओपन ओपन वाला में, यहाँ पे यूज होगा राइटर ऑब्जेक्ट के साथ। तो डेली और मीटर का स्पेलिंग भी रट लो, DELIMITER होगा, डेलीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन देना चाहूंगा। हाँ सर, अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डेली मीटर इज इक्वल टू सेमी कॉलन कर दिया, ठीक है ना। आप अगर चाहते हो कि कॉमा को सेमी कॉलन से रिप्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका हर फील्ड जो है, आपका हर वैल्यू जो है कॉमा से ना सेपरेट हो करके सेमी कॉलन से हो, तो आपको यहाँ पे डेली मीटर का वैल्यू क्या है स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सेमी कॉलन करना होगा, ठीक है। आप देखो मैं इसे रन करूंगा और उसके बाद मैं आपको नोटपैड ओपन करके दिखाऊंगा, तो आप देखोगे कि आपका हर फील्ड जो है, आपका हर वैल्यू जो है सेमी कॉलन से सेपरेट हो रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ पे है हमारा लायन फाइल और इसको मैं करूंगा ओपन विथ नोटपैड, और ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेमी कॉलन। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीन को जूम कर लो, है ना, क्योंकि आप लोग सभी हो फोन पे ही होंगे, ठीक है। अगर लैपटॉप में हो तो भी आप कर सकते हो, लैपटॉप में तो वैसे अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। सेमी कॉलन दिख रहा है सर। अगर मान लो कि कोई अगर मुझे बोलता है सर मुझे सेमी कॉलन भी पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ हैश से सेपरेट करना, तो क्या हैश कैरेक्टर से हम लोग सारे वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है और मैं अब आता हूँ यहाँ पे और मैं आपको नोटपैड में दिखाना चाहूंगा कि मेरा हर वैल्यू जो है वो क्या सेपरेट हो भी रहा है या नहीं। तो आप देखो हैश के साथ ये क्या हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है अलग, ठीक है। तो एग्जाम में यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। डेली मीटर में क्या नहीं हो सकता, डेली मीटर में ऑलमोस्ट सारे ही चीज आ जाएंगे, सारा स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना हो सके कोई भी चीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो अगर कोई बोलता है कि सर कोई अल्फाबेट लेकर के आइए, तो मैं ए को लाना चाहूंगा और रन करके दिखाना चाहूंगा कि ए आता भी है या नहीं, ठीक है। आ जाओ, तो आप मेरे को बोलिए आप क्या चाहते हो कि आप किस चीज से सेपरेट करना चाहते हो, आप खुद से सोचो, मैं उसी चीज से आपको सेपरेट करके दिखाऊं, है ना। क्योंकि इसको मैं एज ए स्ट्रिंग बना दे रहा हूं तो ये भाई जो है ना सेपरेट तो हो ही जाना, आप देख लो बीच में ए ए आ जा रहा हर जगह, तो सेपरेट होना ही है। इवन कि मैं अल्फाबेट से भी सेपरेट कर पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे, ठीक है ना। तो आप सोच लो खुद कीवर्ड से क्या सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको डबल कोटेशन में रखें या सिंगल कोटेशन में रखें, तो इसको एक स्ट्रिंग टाइप का वो मान लेता, और जब स्ट्रिंग वो मान लेगा तो इसको
अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है ना, तो वहां पे आप कुछ भी चीजें दोगे तो उसको वो स्ट्रिंग मान लेता है, ठीक है, उसको क्या मान लेता है, स्ट्रिंग मान लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, देखो डेलीमीटर मस्ट बी अ वन कैरेक्टर स्ट्रिंग, या वन से ज्यादा आप कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा भाई। तो इफ मैंने लिख दिया था जो कि दो कैरेक्टर का था, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब यहाँ पे अगर आपका वन कैरेक्टर, कहने का मतलब अगर फाइव भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइव को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो द वैल्यू ऑफ अ डेलिमीटर्स, है ना, मस्ट बी ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर एवरीबॉडी। उसके बाद आप देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम सर नहीं। ब्लैंक स्पेस हो सकता है, ब्लैंक क्या बोल रही हो, स्पेस हो सकता क्या बोल रहे हो, नहीं सुन रहे, जोर से बोलो आप। ब्लैंक स्पेस हो सकता है। ब्लैंक स्पेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे फाइव फाइव आ रहा, पहले ये देख लो अच्छा से, दिखा क्या। अच्छा वो बोलती है ब्लैंक स्पेस हो सकता है कि नहीं, तो ब्लैंक स्पेस भी हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता। वन टू आप देखोगे सर, ब्लैंक स्पेस मैंने ले लिया है। अच्छा यहाँ पे देखो दो कर दिए ना, दो स्पेस ले लिए ना, डेलीमीटर मस्ट बी अ वन कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो एक हटा दो भाई, एक हटा दो। इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आप डबल स्पेस ना दे दोगे, और उसके बाद बोलोगे कि सर आप तो बोले थे ब्लैंक स्पेस भी होगा, है ना, तो हो नहीं रहा। तो वहां पे आप हमेशा एक ही कैरेक्टर पास करोगे यार, जो भी चीज पास करोगे उसको वो कैरेक्टर मानेगा और उससे आपका रिप्लेस कर देगा। आप देख लीजिए ब्लैंक स्पेस को भी एक्सेप्ट कर रहा, और मुझे तो ब्लैंक स्पेस ही ज्यादा बेटर लग रहा है कॉमा सेमी कॉलन वगैरह से, ठीक है। तो आप ब्लैंक स्पेस से भी सेपरेट कर सकते हो। ओके अब ऑल ऑफ यू, होप सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी तक के क्लास में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। आगे अब जो मैं दिखाने वाला हूं आपको, अब जो मैं सिखाने वाला हूं, मैं सिखाने वाला हूं कि आप जो है हाउ यू कैन राइट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे, है ना, अभी भी तो मल्टीपल रिकॉर्ड ही दिखाएं, लेकिन इसमें आप खुद सोचो यार कि अगर मान लो मुझे 1000 रिकॉर्ड को राइट करना, तो क्या मैं ऐसे बार बार लिखते रहेंगे राइट रो ऐसे करते रहेंगे क्या, नहीं ना करेंगे, ठीक है। तो फिर आखिर हम लोग उसके लिए क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, उस चीज को मैं दिखाने वाला हूँ। मैं लूप के थ्रू आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आप यूजर से इनपुट ले लो, रोल नंबर ले लो, नेम ले लो, क्लास ले लो, और बढ़िया से फिर क्या कर दो उसको, है ना, आप उसको क्या कर दो, राइट कर दो, कहाँ पे, अपने फाइल में, ठीक है। तो उस चीज को कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल यहां तक सभी को एक बार कंफर्म कर दीजिए, फॉर माय सेटिस्फेक्शन, एवरीबॉडी इज गेटिंग और नॉट गेटिंग, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके okay. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो बेटा मैं यहाँ पे आकर के आपको क्या करने वाला हूं, यहां मैं क्लोज कर देता हूं, यहां से मतलब सॉरी मैं यहां से हटा दिया, मैंने सारा कंटेंट्स को हटा दिया, ठीक है, मगर हटाना क्यों था, यहां तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। बस मैंने कॉलम का हेडिंग रोल नेम क्लास को रहने दिया है, कॉलम का हेडिंग रोल नेम क्लास को रहने दिया है, और याद करो एज यूजुअल जैसे कि बाइनरी फाइल में मैंने आपको बताया था, एक हम लोग क्या ले लिए थे, आरईसी नाम का एम्प्टी लिस्ट लिए थे, तो यहाँ पे भी एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। और हम लोग अपने लूप को कंटिन्यूअसली, है ना, हम लोग इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वाइल ट्रू मतलब हमारा लूप कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि हम कोई कंडीशन ना लगाते, ठीक है। तो वाइल ट्रू मैंने लिख दिया, अब आराम से यूजर से इनपुट ले लो, वैसे रॉल इज इक्वल टू मैंने यूजर को बोल दिया क्या, इंट इनपुट, क्या बोल दिया यूजर को, एंटर द रोल नंबर भाई, एंटर द रोल नंबर, जहां पे समझ में नहीं आएगा पूछ लोगे, और नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द नेम सर, एंटर द नेम, बोलो कोई दिक्कत। और क्लास इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द क्लास, बोलिए कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, और ये एकदम तो रटा गया होगा आपको। हम लोग क्या करते थे, एलएसटी नाम का या एक्स नाम का वेरिएबल लेते थे और उसको, है ना, लिस्ट बना देते थे। यहाँ पे जो भी चीज मैंने रोल में इनपुट लिया है ना, यहाँ पे रोल कॉमा मैंने मैं नेम कर दूंगा,
कॉमा मैं क्या कर दूंगा, क्लास कर दूंगा। अब ये क्या बन जाएगा मेरा, ये लिस्ट बन जाएगा, है ना। अगर आप बहुत सारे वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कराओगे तो बाय डिफॉल्ट वो टपल बनता था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो अब जो एक्स जो है किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये लिस्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, सबको क्लियर हो रहा? श्वेता इज इट क्लियर, अब्दुल इज इट क्लियर, समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखेंगे हम लोग। चलो तो भाई ये काम यहाँ तक हो गया है, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x.append। क्यों लिखोगे, किसमें अपेंड करेंगे बताओ, इस रिकॉर्ड को, इस लिस्ट को किसमें अपेंड करोगे? एम्प्टी लिस्ट में rec.append यही ना करते थे, rec.append क्या कर दो, x को अपेंड कर दो। और नीचे हम लोग यूजर से पूछते थे ch=, क्या पूछते थे, इनपुट। बस सिंपल लिखेंगे हम वन टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, do you want to enter more records लिख देते हैं, do you want to enter more records, do you want to enter more records। मैंने यूजर से पूछ लिया है, और हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे, जैसे यहाँ पे y slash n कर दे क्या भाई, क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे, दो दो लॉजिक मैंने बताया था, इफ ch = n कर दो, कौन सा समझ में आता आपको, या तो ये करो या करो इफ ch in, कौन सा समझ पाते हो आप दोनों में, कौन सा इजी लगता है आपको, बोलो पहले वाला या अभी वाला, कोई नहीं बोलता भाई, दोनों इक्वल टू वाला ज्यादा लोगों को आसान लगता होगा। चलो तो ch = क्या, अगर यूजर स्मॉल n एंटर करे, और ये भी कर सकते हो कैपिटल के लिए भी, ch = अगर यूजर कैपिटल n एंटर करे, है ना, दोनों में से कोई भी एंटर करे, तो bre के ब्रेक हो जाएंगे, मतलब लूप से ब्रेक हो जाएंगे, लूप से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब क्या करो, फोर लूप यूज करते थे, फोर आई इन, आई को लेकर के जाते थे rec में, rec जो आट डू यू नो, ये REC क्या है सर मेरा, ये नेस्टेड लिस्ट है ना, ये क्या है REC, नेस्टेड लिस्ट है। तो अब I को नेस्टेड लिस्ट के अंदर ले जाओगे तो एक एक रिकॉर्ड को उठाएगा, एक एक रिकॉर्ड को उठाएगा कि नहीं, अब हर एक एक रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे अपने फाइल में, है ना। राइट कैसे करते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से, राइटर ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, WW, राइटर ऑब्जेक्ट का क्या नाम है भैया, WW, राइटर ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, WW, तो यहाँ लिखेंगे www.write row, बस हो गया, और क्या, और यहाँ कर दो क्या, f.close। बोलो कोई दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत हुआ एकदम ईमानदारी से बता दीजिए, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ एकदम ईमानदारी से बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे। और सभी कोई रेस्पॉन्ड करिए, ऋषभ राज, आर यू गेटिंग, रिया गेटिंग, प्रीति, संजना, सबको समझ में आ रहा, प्रज्ञा, कबीर गेटिंग, एवरीबॉडी इज गेटिंग, सुमित, यस, सेम लॉजिक है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ओके, सो एवरीबॉडी इज गेटिंग, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वाला। बताओ सर एरर क्यों मिल रहा हम लोग को, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है क्या? चलो हम लोग वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे, क्लास नाम लिख करके हम लोग सीएल वेरिएबल रखेंगे, सीएल वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे बेटा, सीएल। पूछो वेरिएबल का नाम सीएल क्यों किए सर, पूछिए, आस्क व्हाई आई हैव चेंज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके, ऑल ऑफ यू टेल मी Why I have changed the name of the variable? क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, और कीवर्ड को हम लोग कभी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। Yes, class is a reserved word. So enter the roll number मैंने 1 enter कर दिया, enter the name मैंने राज enter कर दिया,
एंटर द क्लास, मैंने 12 एंटर कर दिया. डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड? यस. एंटर द रोल, रोल नंबर 2 मैंने एंटर कर दिया. एंटर द नेम आदर्स कर दिया मैंने. डू यू वॉन्ट टू एंटर क्लास, मैंने 12 कर दिया, है ना. डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड? यस. रोल नंबर 3 कर दिया, नेम बताइए कबीर कर दिया मैंने. डू यू वॉन्ट टू एंटर, यस क्लास पहले कर दो. डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड? नो कर दिया मैंने. और बस प्रोग्राम रुक गया है. आइए हम लोग देखते हैं अपना स्प्रेडशीट फाइल को ओपन कर. तो लायन वाला को ओपन करेंगे, उसी पे डेटा ओवरराइट हो जाएगा. ये देखो, तो आप देख सकते हो सर, या ये ऐसा क्यों हो गया भाई? हाँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ हमें ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. एक मिनट, काम करते हैं हम लोग क्या, ठीक है, कि एक एक रिकॉर्ड तो हम लोग राइट ठीक ही ठाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं था. ऐसा करते जो डेलीमीटर हम लोग स्पेस यूज कर रहे हैं, डेलीमीटर को हटा देते हैं. आई नो इफ यू लेट मी एग्जीक्यूट नाउ. परमिशन डिनाई क्यों बोल रहा बताएं? ये फाइल को क्लोज करके रन करोगे, अगर फाइल खुला रह गया तो दिक्कत करेगा, ठीक है. उसके बाद रन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर. चलिए, एंटर रोल नंबर 1, फिर से मैं एंटर कर दे रहा हूं, नेम राज, क्लास 12, बी. यस, आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड. रोल नंबर 2, नेम क्या कर दिए? क्लास 12, सी कर दिए. यस, आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड. रोल नंबर 3 कर दिए, नेम कर दिए प्रज्ञा. क्लास 12, ए कर दिया मैंने, ठीक है भाई. डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड? नो कर दिया मैंने. चलो आइए अब इसको जरा ओपन करके देखते हैं क्या अभी भी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. अच्छा, हम नोटपैड मैंने ओपन कर दिया. चलो नोटपैड में भी दिखा दिए, कॉमा आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉमा आ गया. अब एक्सेल में ओपन करेंगे इसको और हम लोग देखेंगे. चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना. बस एक जगह 12 AM आ गया. ये एक्सेल का फॉर्मेट अपना ले लिया, यहाँ पे अपना टाइम वगैरह ले लिया है ना. शायद वहां पे ए लिखे थे ना, तो AM समझ ले. ये यहाँ का प्रॉब्लम देखो, यही जो ड्रॉबैक बात कर रहे थे ना, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स है ना, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, ठीक है. ये देखो, अपने आप यहाँ पे AM ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखा था, यही एंटर किया था ना, है ना. अपने आप वहां पे जाके AM हो जा रहा है. तो ये सब छोटा मोटा इशू आता है. दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ, क्या बोलोगे, 12A लिखते हैं, इसी में प्रॉब्लम आ रहा है ना हम लोग को. रोल नंबर में देखो राजा कर दिए. ओके, लेट मी एग्जीक्यूट वंस अगेन एवरीबॉडी, एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग का थोड़ा सा डिस्टर्बन हो रहा है. रोल नंबर 1, नेम मैंने लिया राज. क्लास 12A, इसी में प्रॉब्लम हो रहा है. यस. रोल नंबर 2, नेम अंकित कर देते हैं मान लो. क्लास 12, यहाँ पे स्मॉल ए रखते हैं, नो करते हैं हम लोग. चलो ओपन करते हैं. या तो देखो, ए मतलब वो AM ले ही लेगा, स्मॉल ए लो या कैपिटल ए लो, ठीक है. तो भाई यहाँ पे तो प्रॉब्लम हमारे पास है, ठीक है. वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल अपना फॉर्मेट में चेंज कर लेगा. तो एक्सेल में उस स्पेस नहीं देंगे तो हो जाएगा. क्या बोल रही हो? क्लास में स्पेस नहीं देंगे तो शायद हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए ना. रोल नंबर 1, नेम, हाँ तब हो जाएगा. राज, क्लास में हम लोग क्या कर दें, स्पेस मत दो, नहीं तो फिर ऐसा कर लो 12A. कोई दिक्कत है इसमें?
या दिक्कत है? नेम श्वेता, क्लास 12A, यस आई वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, रोल नंबर 3, नेम संजना, क्लास 12A, चलो नो करते हैं भाई, आओ जाओ जाओ देख लेते हैं लोग। तो चलिए यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेल का बाय डिफॉल्ट अपना फॉर्मेट ले लेता है, तो आप अपने अनुसार क्या कर लोगे भाई। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, देखो 12A लिखेंगे और टैब की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो अपने आप वो AM बन जाएगा ना। तो हमारा एक्सेल बहुत एडवांस है, इसको बाद में फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो एक्सेल बहुत एडवांस है, मतलब उसको लगता है ना कि 12A अगर कोई बंदा लिख रहा तो शायद AM लिखना चाह रहा, 12A, तो ये खुद ही लिख देता है, ठीक है ना। तो वही एक्सेल का यहाँ पे फॉर्मेट अपने आप वो ले रहा था, ठीक है। लेकिन नोटपैड में वही चीज ओपन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस चीज को आप रिजॉल्व कर सकते हो। विदाउट स्पेस आप लिख लो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, या फिर कुछ ऐसा आप लिख लो, इस फॉर्मेट में दे दो डेटा को, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो होप सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, CSV फाइल में राइटिंग को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप कंफर्म करिए समझ में आया कि नहीं, और मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, देख लो 1 मिनट में रिकॉल कराते हैं। इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल को मैंने वो इम्पोर्ट किया, फाइल को बेटा ओपन किए हैं, न्यू लाइन आर्गुमेंट क्यों यूज किया गया आपको पता चल गया है, जो ब्लैंक लाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसको हटाने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, ठीक है। ये WW क्या है, ये हमारा CSV मॉड्यूल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये WW हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है, इसी की मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, राइटिंग का काम कर पाएंगे। और www.write row, मैंने एक रिकॉर्ड राइट कर दिया, ये कॉलम का बेसिकली हेडिंग है, हालांकि ये भी चाहते तो हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते, कोई दिक्कत नहीं था यूजर से, लेकिन यहाँ पे यूजर को मैसेज दोगे एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर ना एंटर करेगा, थोड़ी रोल हेडिंग देगा, नहीं ना देगा, कोई भी यूजर देगा थोड़ी लिखेगा ROLL रोल, रोल नंबर मतलब 1 2 3 लिख देगा, इसीलिए हम इसको पहले ही लिख दिए रोल नेम क्लास को। अब मान लो एंटर द नेम, तो कोई नेम में नेम लिखेगा, नेम ही नहीं ना लिखेगा, इसीलिए इस चीज को पहले ही मैंने काम कर दिया, काम तमाम इसका पहले ही कर दिया, www.write row रोल नेम क्लास कर दिए पहले ही, एक एम्प्टी लिस्ट लिए, वाइल ट्रू मतलब ये सारा चीज मेरा तब तक चलेगा जब तक हम चाहते हैं, जब तक कि ब्रेक कीवर्ड हम ना यूज करें, हम लोग इस लूप से बाहर नहीं आने वाले। तो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि भाई रोल नंबर एंटर कर लो, नेम एंटर कर लो, क्लास एंटर कर लो, है ना, और उसको फिर एक वेरिएबल में स्टोर करा दे रहे हैं। ये एक्स मेरा क्या है, लिस्ट है। अब इस लिस्ट को हम एक एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते जा रहे हैं, यूजर से बार बार इनपुट ले रहे हैं और इस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कर जा रहे हैं। तो ये एम्प्टी लिस्ट के अंदर बहुत सारा जब लिस्ट आ जाएगा तो ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा, बन गया नेस्टेड लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यूजर से पूछ रहे हैं तो डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यूजर बोला नो, जैसे एन एंटर करेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, कैपिटल एन करेगा तो यहाँ पे ट्रू होगा, स्मॉल एन करेगा तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रू होगा तो ब्रेक, ब्रेक मतलब वाइल लूप से बाहर, यानी इस वाले लूप से आप बाहर आ जाओगे। अब आप यूजर को नहीं बोलोगे कि एंटर रोल नंबर या एंटर नेम लाइक दैट, बाहर आओगे तो आपके पास एक लूप मिलेगा, फोर लूप। ये फोर लूप क्या कर रहा, आई को REC के अंदर ले जा रहा, REC इज व्हाट, REC इज नथिंग बट इट इज अ नेस्टेड लिस्ट। तो आई को REC के अंदर ले जाओगे तो एक एक रिकॉर्ड को उठाएगा, तो सबसे पहला रिकॉर्ड उठाएगा 1, राज और क्लास 12A, और उसको क्या करेगा, ये WW राइटर ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से राइट कर देगा हमारा फाइल, ठीक है। फिर दूसरे रिकॉर्ड को उठाएगा, मान लो कुणाल है या अंकित है, उसको उठाया, उसको भी राइट कर दिया। फिर तीसरा रिकॉर्ड को राइट कर दिया, और जब रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर आप फोर लूप से भी बाहर आओगे और फिर फाइल को क्या करोगे, क्लोज कर दोगे बेटा, ठीक है। तो होप्स हो आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलिए जल्दी से, बताइए मेरे को, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर एवरीबॉडी, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को समझने में कोई दिक्कत है, सभी को समझ में आ रहा है क्या? फॉर माई सेटिस्फेक्शन एवरीबडी काइंडली टेल मी आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ यू जरा सा भी डाउट हो तो जरूर पूछे। आपको देखो अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, आपको देखो मैं एक क्या बताने वाला हूं, है ना, रीडिंग एवरीबडी टॉपिक डाल लो, रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल, ये राइटिंग का काम मैंने सिखा दिया। इफ यू वॉन्ट टू रीड फ्रॉम CSV फाइल,
अगर सीएसबी फाइल से बेटा कुछ भी रीड करना है तो आप कैसे रीड करोगे? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सीएसबी मॉड्यूल आपको दो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, रीडर ऑब्जेक्ट और राइटर ऑब्जेक्ट। तो ये काम हम लोग रीडर ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। सो रीडर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रीडर मेथड, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए सिंपल सा है, आपको सीएसबी मॉड्यूल के थ्रू सीएसबी डॉट यहाँ पे लिखना होता है रीडर, सीएसबी डॉट रीडर, है ना, बस। और ये आपको क्या चीज में मदद करेगा, इट रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स अ रीडर, आर ई ए डी आर, रीडर ऑब्जेक्ट। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट, ये आपको रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एवरीबॉडी, है ना, और कुछ नहीं बस। और ये आपको क्या हेल्प करेगा, इट, कहां मैं लिख रहा हूं, जस्ट अ सेकंड, इट लोड्स द डेटा, इट लोड्स द डेटा फ्रॉम सीएसबी फाइल, फ्रॉम सीएसबी फाइल, बस इतना लिखो ना, ज्यादा क्यों आप लफड़ा लोगो, है ना। सो इट लोड्स द डेटा फ्रॉम सीएसबी फाइल, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, है ना, इट लोड्स द डेटा फ्रॉम सीएसबी फाइल। तो CSV फाइल से डेटा को लोड करने में ये मदद करता है, इट रिटर्न्स रीडर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा एंड इट लोड्स द डेटा फ्रॉम CSV फाइल। सिंटैक्स देख लो, इसका सिंटैक्स क्या होता, सिंटैक्स कैसे यूज करेंगे, सिंपल है। कुछ भी हम लोग आरआर, मान लो मेरा रीडर ऑब्जेक्ट का नाम है और बस यहां लिख दो CSV.READR, रीडर, CSV.READR, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थोड़ा जी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं क्या, जस्ट आई वॉन्ट टू, Now what I want to do, I want to read from my CSV file. CSV file mein whatever the things I have written in CSV file, I want to read that. So how can I, everybody? File to maine close kar diya, fill se file open kar lenge, F is equal to open. Aur hamara file ka naam hai bhai lion.csv. Koi problem nahi, kaun se mode mein open karenge jaldi se bata do mere ko, कौन से मोड में ओपन करेंगे सर, कौन से मोड में ओपन करेंगे बता दीजिए, तो रीड मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। अब आरआर नाम का मैंने रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, सीएसबी डॉट, बस लिख दो रीडर, RER, रीडर, सीएसबी डॉट रीडर कर दिया मैंने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट का भी नाम लिखना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम थोड़ा सा चेंजेस कर लो, अब स्क्रीनशॉट लो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, है ना। तो सीएसबी डॉट रीडर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, और क्या, कुछ नहीं। अब देखो क्या करेंगे, सो आगे बढ़ते हैं, चलो। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फोर लूप चलाने वाला हूँ, और फोर आई इन, आई को मैं लेकर के आने वाला हूँ रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा क्या आई को। चलो इतना पहले एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या सब चीज सही चल भी रहा है या नहीं। फाइल को क्लोज कर दे फिर से, f.clos क्लोज, देख लेते हैं कोई एरर ओरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद बात करते हैं। एंटर द रोल नंबर, लो भाई बात कर लीजिए, फिर से लिखने का मन है क्या? तो सर क्या किया जाए, कुछ बोला जाए क्या, कमेंट बना दिया जाए सबको, और नहीं तो एक राइट मेथड बना देते हैं। चलो सारा कमेंट बन गया, अब रन करो भाई। लो सीएसबी इज नॉट डिफाइंड बोलता है भाई, क्यों बोलता है सर, क्योंकि थोड़ा सा गलत काम किया हमने। यहां इंपोर्ट सीएसबी, उसको मत बनाओ कमेंट ना, यहां से कमेंट बनाओ। अब आ जाओ सर, मीटिंग एंड होगा, दोबारा ज्वाइन करेंगे।
ओहो, वी आर नॉट एबल टू रीड एनीथिंग एवरीबॉडी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? वी आर नॉट एबल टू रीड एनी डेटा, ठीक है, कुछ भी रीड ही नहीं कर पा रहे हैं यार, ऐसा क्यों हो रहा? सब चीज ओके ओके है? एफ इज इक्वल टू ओपन लायन डॉट सी एस बी, रीड मोड में हम लोग ओपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं था। अच्छा एक मिनट, एक बार न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करेंगे, न्यू लाइन इज इक्वल टू स्लैश आर स्लैश एम। ये रट लो, ये वाला एमसीक्यू में आ सकता है। बाय डिफॉल्ट जो न्यू लाइन एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है ना, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर यूएल कैरेक्टर जो होता है सी एस बी फाइल में बाय डिफॉल्ट, वो होता स्लैश आर स्लैश एम, स्लैश आर स्लैश एम, है ना। इसको बोलते हैं कैरियज रिटर्न और इसको बोलते हैं लाइन फीड। स्लैश आर को बोलते हैं कैरियज रिटर्न और इसको बोलते हैं लाइन फीड। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है हमारा, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम लोग को रीड हो जाना चाहिए था इतना में। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि कमेंट को हटाते हैं, एक बार राइट कर ही लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम ही लगने वाला है। मे भी शायद उस समय मैंने फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया और कुछ लिखा नहीं, तो शायद कुछ फाइल में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एंटर रोल नंबर वन, नेम मैंने कर दिया राज, क्लास कर दिया मैंने 12B। डू यू वांट टू एंटर? यस। रोल नंबर टू, नेम कर दिया मैंने अंकित, अंकित क्लास 12C कर दिया। नो भाई, चलो देख लो। तो जैसा मैंने बोला वही प्रॉब्लम था, क्योंकि एक बार रन कर चुके थे ना उस समय, रन करने के बाद कोई कुछ रिकॉर्ड एंटर ही नहीं किया, तो पूरा का पूरा क्या फाइल्स जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारा का सारा डिलीट हो गया था बेटा। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे कि हम लोग रीड कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रोल नेम क्लास और वन राज 12B 2 अंकित वगैरह सारा चीजों को हम लोग रीड कर पा रहे, कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रीड करने में, ठीक है। अब यही आप कमेंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कमेंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इसको कमेंट बना दो, अब रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखो यहां से आप इसको कमेंट बना दीजिए और रीड करो, अब रीड कर पाओगे। देखो रीड कर पा रहे हम लोग, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, यकीन मानो कितना आसान है। आप देख लो एफ इज इक्वल टू ओपन लाइन डॉट सी एस बी, बस आर यहाँ कर लेना, इसको हम हटाना चाहेंगे, है ना, ये न्यू लाइन वाला, इसको हटाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम आता अगर उसको हटा दे तो, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है? उससे कोई फर्क भी पड़ रहा है क्या? रोल नेम क्लास वन राज, एक बार फिर से हम इसको लाते हैं कॉमा। ये याद रखो न्यू लाइन का, न्यू लाइन जो हमारा आर्गुमेंट है, इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल, वो क्या होता है सर, है ना, स्लैश आर स्लैश एन होता है ना, कैरियज रिटर्न और क्या बोलते हैं न्यू लाइन, लाइन फिट बोलते हैं, कैरियज रिटर्न और लाइन फिट कैरेक्टर, इसको स्लैश आर स्लैश एन, ये याद रखोगे न्यू लाइन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो अगर इसको रिमूव करना चाहते हो तो हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे पास करते हैं राइटिंग के समय, राइटिंग के समय रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको हटा दो, ये बस समझाने के लिए था कि वो बाय डिफॉल्ट होता है, सिंपल रखो फाइल को रीडिंग के समय। मैंने बताया अगर क्लोज नहीं भी करते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन राइटिंग के समय फाइल जरूर क्लोज करोगे, टेक्स्ट फाइल में भी मैंने बताया था, नहीं तो फाइल में राइट नहीं होगा। चलो ये देखिए है ना, ऐसा आउटपुट आ रहा है। और भी कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको इसके बारे में सर? देखो यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस ऑल थिंग्स। मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, ये रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए csv.readerf के थ्रू, और रीडर ऑब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट आया, क्या मैं डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ? आई वॉन्ट टू चेक दैट एवरीबडी। आइए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, देखो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ हेक्साडेसिमल टाइप का 0x, ठीक है, आपको वैल्यू मिल जा रहा है, ये आपको बस रीडर ऑब्जेक्ट का लोकेशन का एड्रेस मिल रहा है ना, तो ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते यहाँ पे।
ये इस चीज को याद रखो कि यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट आपको बस रीडिंग करने में मदद करता है, लेकिन आपको रीड कहाँ पे करना, फॉर आई इन, आई को रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर लाना, फॉर आई इन क्या करना है, आरर के अंदर लाओ और फिर जाके आप प्रिंट आई करो, तो गलती हम लोग को नहीं करना, ठीक है। आप प्रिंट आई कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, देखो देख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हो सारा रिकॉर्ड को हम लोग डिस्प्ले कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताइए, क्या सभी को समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है सर? Is there any problem everybody? Are you getting or not getting? Are you getting or not getting? Control N, एक नया फाइल ले रहे हैं, जल्दी से देखोगे, F is equal to open, F is equal to open, understood, F is equal to open, फाइल का नाम रखते हैं क्या, flower, flower, flower.csv, राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। डब्ल्यू आर एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और यहां पे क्या लिख रहे हैं, है ना, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे बता दो। तो राइटर ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सीएसवी, जो कि इंपोर्ट नहीं किए, यही तो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि भाई छूट रहा कुछ, इंपोर्ट सीएसबी, तो डब्ल्यू आर इज इक्वल टू सीएसबी डॉट राइटर, डब्ल्यू आर आई टी आर सीएसबी डॉट राइटर, दैट्स इट एवरीबॉडी, इट इज, दिस इज अ वेरी सिंपल वन, डब्ल्यू आर इज इक्वल टू सीएसबी डॉट राइटर। और अब यहाँ पे क्या कर लो सर, राइटर ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो चुका है, कुछ 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 कुछ, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सो आप देखो, एक्स इज इक्वल टू एवरीबॉडी रोल कॉमा नेम, जस्ट अ सेकंड, एक नेस्टेड लिस्ट हम बना रहे हैं, एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ओके यहां पे क्या लिख दे भाई, राजा कर देते हैं इस पर, दैट्स इट, एक्स इज अ नेस्टेड लिस्ट एवरीबॉडी, तो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से डब्ल्यू आर डॉट राइट रोस, डब्ल्यू आर डॉट राइट रोस, एक्स मैंने कर दिया, फाइल ओपन है, फाइल को क्लोज करते हैं, बस छोटा सा काम करते हैं, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एवरीबॉडी, पहले तो बोल रहा सेव ही करिए सर, ठीक है, तो 30 देखते हैं क्या एरर आता है कुछ, यस एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट जीरो, तो कहां पे हमने आर्गुमेंट नहीं दिया भाई, यहां पे फाइल हैंडलर का नाम नहीं भूलोगे, फाइल हैंडलर का नाम नहीं भूलना है, ये हमारा प्रॉब्लम था। और एक और प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही रिजॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे न्यू लाइन मैंने नहीं लिखा, क्यों हम लोग प्रॉब्लम फेस करें, चलो अब आइए देखते क्या एरर आता है कुछ, नो एरर एवरीबॉडी, यू कैन सी द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, 12th में आएंगे, फ्लावर देखो भाई ढूंढ लो कहाँ पे है, फ्लावर कौन बताएगा किसी को, चैट बॉक्स इज ओपन एवरीबॉडी, ऐसा कैसे हो गया, रुक जा सर, सेकंड लास्ट लाइन में उधर से थर्ड, लेफ्ट साइड से थर्ड, हाँ वेरी गुड, फ्लावर, इसको ओपन करते हैं सर एक्सेल फाइल पे, देखते हैं किस टाइप से राइटिंग होता है, तो देखो कितना बढ़िया है ना, नेस्टेड क्यों, आप देखो मैंने इस कोड में क्या किया, एक नेस्टेड लिस्ट मैंने बनाया है, और इसको मैंने क्या किया, राइट रोज, थोड़ा देखा करो ध्यान से, मैंने राइट रो नहीं लिखा, एस लगा दिया, राइट रोज की मदद से मैंने क्या कर दिया, फाइल में राइट कर दिया, और मैंने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो कुछ ऐसा हमारा देखो
ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जीक्यूट हो चुका और मैंने आपको इसे ओपन करके भी दिखाया। तो कहां पे ये रहा, इसको सबसे पहले ओपन करके दिखाएंगे हम एक्सेल में, तो आप देखोगे कि रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जाकर के राइट हो जाएगा, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखिए, है ना, देख लो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जाके ये राइट हो चुका है। और अगर मैं इसे आपको नोटपैड में दिखाऊं बेटा ओपन करके, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखने वाला, वो भी मैं दिखाता हूँ। नोटपैड में आप देखो तो कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। ओहो, क्या हो गया भाई? हाँ देखो, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा आ रहा है डेलिमीटर, है ना, क्योंकि मैंने इसे रिप्लेस नहीं किया था, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे तो मैंने राइट रो यूज कर लिया, अगर केवल राइट रो लिखे तो क्या कोई प्रॉब्लम होने वाला है? एस मैंने हटा दिया है, है ना, क्या कोई प्रॉब्लम होने वाला है? चलो एग्जीक्यूट हो रहा है यार, एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या आउटपुट में कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं? आउटपुट हम लोग देखेंगे, पहले एक्सेल फाइल देखेंगे, है ना, एक्सेल देखते हैं पहले हम लोग। चलो तो एक्सेल में देखते हैं हम लोग क्या कोई दिक्कत आ रहा है। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट ये नेस्टेड लिस्ट में जाकर राइट हो जाएगा, क्योंकि राइट रो एक बार में एक ही रिकॉर्ड को राइट कर सकता है, तो ये पूरा को पूरा को एक सिंगल रिकॉर्ड मानेगा और ऐसे करके देखो राइट कर देगा। देखो कैसा दिख रहा है ना, इसको मैं नोटपैड में आपको ओपन करके दिखाऊं, तो ये राइट और राइट रो मेथड में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आ गया हो कि दोनों में क्या डिफरेंस। अब देखो कैसा दिख रहा है सो, अब खुद देख लीजिए कैसा दिख रहा है सो, आपके सामने है, ठीक है ना। ओके तो हमेशा याद रखो, इफ यू वांट टू राइट मल्टीपल रिकॉर्ड्स एवरीबॉडी, यूज ऑलवेज यूज राइट रोस मेथड। इफ यू वांट टू राइट अ सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम इन योर फाइल, यूज द राइट रो मेथड, है ना। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, आज के क्लास में हमने सीखा कि हम लोग कैसे सीएसबी फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे हम लोग रिकॉर्ड को राइट करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे राइट करते हैं, यूजर चॉइस लेकर के, यूजर से इनपुट लेकर के कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड राइट करते हैं, ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रीडर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट रो और राइट रो में क्या डिफरेंस होता है, और है ना ऑफकोर्स फाइल से हम लोग रीडिंग का काम कैसे करते हैं, सीएसबी फाइल को हम लोग रीड कैसे करते हैं, अपने प्रोग्राम में कैसे रीड करते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सेल में जाके रीड कर रहे थे वो तो ठीक है, स्प्रेडशीट में जाके रीड कर ले रहे हैं, नोटपैड में जाके देख ले रहे कि क्या हम लोगों ने राइटिंग का काम किया, क्या हमने राइट किया वो देख ले रहे हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम में ही कैसे उसको रीड करेंगे, है ना, वो भी चीज हमने सीखा। उसके लिए हमें रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और रीडर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग रीडिंग का काम कर लेते, ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, है ना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।